हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम चॉकलेट हॉट मिल्क शेक, और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। और ये बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगा, और ज़रूर बनाइए। अगर पसंद आए तो कमेंट करें। और ठंडियों के मौसम में ऐसे चीज़ें पीना बहुत अच्छा लगता है, शेक वगैरह अगर अच्छा रहता है तो आप बनाइए। और ये मैंने लिया है दूध, 1 कप से थोड़ा कम है, और ये मैंने गर्म दूध लिया है और अभी भी गर्म है दूध और हल्का ठंडा हो गया है, तो गर्म दूध लेना है हमें। और ये मैंने पानी लिया है 1 कप और वो भी गर्म है, और दोनों हमें गर्म लेना है। और ये ठंडा हो गया लेकिन गर्म है दोनों। और ये मैंने बादाम लिया है 15 से 16, उसे मैंने रात में भिगो दिया था और इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। और ये मैंने 1 टेबल स्पून शक्कर लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है थोड़ा सा, 1 टुकड़ा, अगर आपको पसंद हो तो डालिए नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। और ये डाल के देखिए बहुत अच्छा बनता है। और ये मैंने लिया है मिल्क चॉकलेट, और ये मैंने लिया है करीब 25 ग्राम के लगभग, और इसे मैंने क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है। और थोड़ा सा लेंगे गार्निशिंग के लिए, आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे दूध और फुल क्रीम दूध लेना है हमें, और पानी, और ये दोनों चीज़ गर्म है, और बादाम शक्कर और दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें हम चॉकलेट को डाल लेंगे। और अभी क्या करेंगे, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से शेक बनाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो ये तैयार है, इसे हम सर्व करेंगे। एक ग्लास लेंगे, सर्विंग ग्लास, उसमें हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने ग्लास में निकाल लिया है, थोड़ा सा मेरे पास वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट और बादाम है, उसे हम गार्निश कर लेंगे। मिल्क चॉकलेट और थोड़ा सा हम डालेंगे व्हाइट चॉकलेट। तो ये हमारा बादाम चॉकलेट हॉट मिल्क शेक बनके तैयार है, आप बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन जरूर दबाइए। और देखिए कितना यम्मी बना है, और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और फिर से मिलते हैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।